कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। चुनावी राजनीति के पहले अपन चुनाव राजनीति के बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने ये देखा था चुनाव क्यों आवश्यक है, चुनाव के लिए मतलब क्या चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं। आज उसी से चुनाव मतदान कैसे होता है, मतदान कैसे कराया जाता है, सरकार कैसे बनती है, इस विषय पर चर्चा की थी। आज इसी विषय के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले सही जोड़ी देखेंगे आप, वयस्क मताधिकार की आयु क्या है। तो इसका सबसे पहले है वयस्क मताधिकार की आयु क्या होती है। तो इसका सही जोड़ी है 18 वर्ष की आयु। तो अपने संविधान में सभी वर्ग को वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष। एक मत एक मोल, एक मत मतलब जो एक मत है और एक मोल, इसका सही आंसर है हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता। तो चुनाव में मतदान का अधिकार सबको कैसा है, बराबर होता है। कमजोर मतलब जो कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, मतलब जो कमजोर वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व कौन है, वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण मतलब जो सीटें हैं पर आरक्षण की, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। फिर प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार है, ताकि मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति को कैसा है एक वोट डालने का क्या है, अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर प्राप्त हो। आशा है आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। चुनाव में मतलब जो चुनाव होते हैं उनकी सरकारी नीतियों में, जो चुनाव होते हैं उनकी सरकारी नीति में बदलाव के लिए क्या करना, बदलाव भी हो सकता है। मतलब जो चुनाव की सरकारी नीति है, हाँ, उनमें समय समय पर आप क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। तो ये हो गया सर। फिर चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। हाँ, आपने देखा होगा लोकसभा और विधानसभा में जब भी जो सरकार अपने बहुमत से उभर कर आती है, वह क्या बनाती है, अपनी पार्टी की सरकार क्या करती है, बनाती है। जैसे कि अभी वर्तमान में अपने भारत में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार। सर 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो जो 1997 में लोकसभा चुनाव नहीं, ये क्या है, असत्य है। फिर भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मतदाता है। भारत में मतलब भारत की जनसंख्या का आपको अनुमान होगा 135 करोड़ जनसंख्या है भारत। तो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता कहां पर है, भारत में ही है। भारत में मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, नहीं, भारत में मतदाता की आयु कितनी है, 18 वर्ष। फिर है कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं इस अध्याय में। आपके ये जो एनसीईआरटी की बुक है उसके आधार पर आपको कुछ छोटे लघु प्रश्न है, वह है इस अध्याय में बढ़ने चुनाव संबंधी जो गतिविधियों की सूची बनाए और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक में क्रम से सजाए। इसमें कुछ आपको कुछ मामले मतलब दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए आपको दिया है चुनाव घोषणा पत्र, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना। तो
करना, मतदान सूची बनाना, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन, मतदाता, सबसे पहले जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मतदाता सूची बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? मतदाता सूची बनाई जाती है। मतदाता सूची हर 5 साल में इसलिए बनाई जाती है, कुछ लोग कम हो जाते हैं, कुछ शहर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोगों का निधन हो जाता है, इस कारण मतदाता सूची पहले बनाई जाती है। फिर उसके बाद चुनाव प्रक्रिया की घोषणा की जाती है कि चुनाव किस तारीख को होगा, कैसे होगा, इस चीज की घोषणा की जाती है। फिर नामांकन दाखिल करना पड़ता है, जब भी जो भी उम्मीदवार है वह अपनी पार्टी के नाम, अपनी पार्टी से क्या करता है, नामांकन दाखिल करता है। कहाँ जाकर? जिला अध्यक्ष कार्यालय जाकर उसको क्या करना पड़ता है, अपना नामांकन दाखिल कराना पड़ता है। फिर उसे चुनाव घोषणा पत्र जारी करना। फिर उसके बाद चौथे क्रम में क्या होता है, चुनाव घोषणा पत्र को जारी करना। फिर होता है चुनाव अभियान। हर पार्टी के लोग अपना अपना चुनाव के दल को, अपना अपने चुनाव चिन्ह को क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, चुनाव अभियान चलाते हैं। फिर उसके बाद होता है मतदान। आपने देखा होगा कि एक निश्चित तारीख तय कर दी जाती है कि उसमें सभी लोगों को जाकर क्या करना पड़ता है, मतदान करना पड़ता है। फिर पुनः मतदान के आदेश। फिर उसके बाद है वोटों की गिनती। जब वोट मतलब मतगणना होने के बाद फिर कुछ समय अंतराल बाद क्या होते हैं, वोटों की गिनती होती है, और वोटों की गिनती होने के बाद क्या होते हैं, चुनाव के नतीजे घोषित किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो चुनाव का क्रम है, इस तरीके से मतलब इस तरीके के माध्यम से क्रमानुसार पहले होता है मतदान सूची, चुनाव प्रक्रिया, नामांकन दाखिल करना, चुनाव की घोषणा, चुनाव अभियान, मतदाता मतलब मतदान करना, मतदाता के आदेश, फिर वोटों की गिनती, और उसके बाद होता है वोटों की गिनती होने के बाद क्या आते हैं, आपके चुनाव परिणाम आते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद क्या किए जाते हैं, सरकार बनाई जाती है। फिर चुनाव क्यों होते हैं, इसका एक सही विकल्प चुनना है कि चुनाव क्यों होते हैं, इसके लिए कौन सा वाक्य ठीक होगा। तो चुनाव लोगों को सरकार और कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। चुनाव लोग चुनाव से अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, नहीं, मतलब चुनाव लोगों को न्याय और कामकाज का मूल्यांकन करने का क्या करते हैं, अवसर देते हैं। और चौथा है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीति बना सकते हैं, नहीं। तो जो गा वाला ऑप्शन है वह है चुनाव लोगों को न्याय मतलब जो न्यायपालिका के कामकाज और मूल्यांकन का क्या करते हैं, अवसर देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, चुनाव लोगों को क्या देते हैं, न्यायपालिका और कामकाज का। फिर भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदान, मतलब ये तो सच है, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा क्या है, मतदाता है। भारत में चुनाव आयोग की काफी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक का हर व्यक्ति क्या कर सकता है, मतदान दे सकता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश स्वीकार कर लेती है। तो भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो आपका भारत में दुनिया के सबसे अधिक मतदाता है, ये वाला जो ऑप्शन है क्या है, वह सही है। फिर है निम्नलिखित में से मेल जोड़िए, मतलब जो आपको ये सही जोड़ी दी हुई है, इसके निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, मेल जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले देखना है समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है। तो समय समय पर जो मतदाता सूची का नवीनीकरण, मतलब हर 5 साल के चुनाव होते हैं तो मतदाता सूची का क्या होता है, नवीनीकरण होता है, क्योंकि इसमें कुछ लोग उस जगह से अलग चले जाते हैं और उनसे कुछ पिछले चुनावों में क्या करते हैं, मतदान किया होता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि समाज के हर तबके को क्या मिले समुचित। तो ये फर्स्ट वाले सही जोड़ी होगी, ये सेकंड वाले का आंसर है ताकि समाज के समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। फिर है प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या मिले अवसर प्राप्त हो सके। फिर है सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, मतलब जो सत्ताधारी दल है उसको सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। तो ये आपके छोटे छोटे एक नंबर के कुछ प्रश्न थे परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको अच्छे से पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।